ये बात आप सभी को मालूम है कि इस दुनिया में एक से एक क्रेजी लोग हैं जो अलग अलग हरकतें करते रहते हैं, कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए करते हैं, कुछ बस ऐसे ही कर देते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अपनी उसी सीरीज के तीसरे पार्ट के ऊपर, जिस पे हम बात करते हैं उन लोगों की जो क्रेजीस्ट हरकत करते हैं सिर्फ कुछ चीज़ें प्रूव करने के लिए। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। अट्ठाईस अक्टूबर 1986 रशिया की एरोफ्लोट की फ्लाइट 6502 जो जा रही थी कोर्टसोवो से ग्रोजनी की तरफ, जिसके अंदर पायलट और को पायलट थे जिर्नोव और क्लियोवे, ये दोनों ही फ्लाइट उड़ा रहे थे और दोनों में ही शर्त लग गई कि इस फ्लाइट को ब्लाइंडली लैंड करवा सकता है क्या तू। के बाद में पायलट उसको ब्लाइंडली लैंड करवाने में लग गया। वो सभी वार्निंग्स को इग्नोर कर रहा था जो उसे मिल रही थी एयर कंट्रोलर से, लेकिन वो बस अपने को पायलट की इंस्ट्रक्शन सुन रहा था जो उसे दे रहा था कि ऐसे 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 करके उतार इसे, और वही सब चल रहा था। उनको मालूम था कि 150 नॉट की स्पीड से ये फ्लाइट लैंड हो रही है, मतलब 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसने ग्राउंड को टच करवा दिया था, और अब रिस्क ये था कि ये क्रैश हो सकता है। यहाँ पे वो वापस प्लेन को उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने दोबारा से टेक ऑफ कराने की बजाय उसको लैंडिंग कराना ही सही समझा। अब यहाँ पे इस प्लेन के अंदर थे करीब 94 पैसेंजर इंक्लूडिंग These two pilot and co-pilot, इसी के साथ साथ क्रू मेंबर्स भी थे। अब यहाँ पे इन सभी की जान इन्होंने खतरे में डाल दी थी एक मामूली सी शर्त के लिए। अब यहाँ पे ये फ्लाइट जैसे ही ग्राउंड से टच हुई ये क्रैश हो गई, और क्रैश होने के बाद में 70 पैसेंजर वहीं मर गए और बचे सिर्फ 24 जने थे, जिसमें ये दो पायलट और को पायलट भी थे, और जिसमें से जिर्नोव हॉस्पिटल जाते जाते ही हार्ट अटैक का शिकार हो गया और वो वहीं मर गया। और इसके बाद में क्लिनोव को अरेस्ट कर लिया गया और इसको 15 साल की सज़ा सुना दी गई। ये दो बेवकूफ थे जिन्होंने क्रेजियस हरकत करी थी अपने पॉइंट प्रूफ करने के लिए। एक वक्त था जब पोलियो की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ करती थी, और एक बार ये बीमारी जिस इंसान को उसके बचपन में लग जाती थी उसको ताउम्र इसी के साथ ही जीना पड़ता था। लेकिन आज के वक्त में इसकी वैक्सीनेशन है जो बच्चों को उनके बचपन में ही पिला दी जाती है, जिसके बाद में उन्हें ये बीमारी नहीं लगती। और यहाँ तक कि 1952 के दौरान ये बीमारी 60,000 अमेरिकी से भी ज़्यादा लोगों में फैल चुकी थी। मैं आपको बता दूँ ये बीमारी एक वायरस के कारण फैलती है। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेजिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को भी ये बीमारी लगी हुई थी, और उस वक्त में इस बीमारी की वैक्सीनेशन किसी भी कंट्री ने नहीं बनाई थी और ये बीमारी आग की तरह फैले जा रही थी। लेकिन पोलैंड से यूएसए में शिफ्ट हुआ एक डॉक्टर 1947 से 1954 तक रिसर्च करता रहा इस बीमारी की वैक्सीनेशन पे, जिसका नाम था जॉन सिल्क, और ये इसकी वैक्सीनेशन बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था अपनी बीवी और अपने 3 बच्चों के ऊपर। अब यहाँ पे या तो ये उनको इन्फेक्टेड कर देता या फिर उसका इलाज ढूंढ लेता, लेकिन इसने उसका इलाज ढूंढ लिया 1954 में, और इस दवाई को फिर दूसरे लोगों को भी लगाया जाने लग गया, जिसके बाद में 1955 में इस वैक्सीनेशन को अप्रूवल मिल गया और ये कहा गया कि ये बिल्कुल सेफ है और ठीक भी है। तो इसको अप्रूवल मिलने के बाद में बात आई पेटेंट की, तो जॉन सिल्क ने इसका साफ साफ मना कर दिया कि उसे इसका पेटेंट नहीं लेना, तो उसने नहीं लिया। उसने कहा ना तो सूरज का कोई पेटेंट कर सकता है, ना ही चांद का कोई पेटेंट कर सकता है, और ना ही इन इंसानों की जान का कोई पेटेंट कर सकता है। तो उसके बाद में ये दवाई फ्री में ही कोई भी कंट्री बना सकती थी, उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर कर दी थी सभी से। तो यहाँ पे इन्होंने क्रेजियस्ट हरकत करी कि अपनी फैमिली को रिस्क में डालते हुए इन्होंने इस जानलेवा बीमारी की वैक्सीनेशन निकाल दी। थॉमस फिट्ज़पैट्रिक जो कि एक अमेरिकन पायलट थे, और इसी के साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूएस मरीन को भी सर्व कर रखा था। एक बार इन्होंने नशे की हालत में न्यू जर्सी के फ्लाइंग स्कूल से एक सिंगल इंजन प्लेन चुरा लिया और उसको पार्क कर दिया न्यूयॉर्क के सेंट निकोलस एवेन्यू स्ट्रीट नंबर 191 में, क्योंकि उसी स्ट्रीट के सामने वाले बार में ये कुछ देर पहले दारू पी रहे थे और बंदों से वहां पे इनकी बैट लग गई
थी कि ये न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क में सिर्फ 15 मिनट में पहुंच सकते हैं, जो प्रूफ करने के लिए उन्होंने प्लेन चुराया और उसके बाद में पार्क कर दिया। अब इसके बाद में जब पता लगा कि थॉमस फिट्ज़पैट्रिक ने ये काम किया है और चलती फिरती स्ट्रीट में इन्होंने रात के 3 बजे एक प्लेन पार्क कर दिया है, तो प्लेन के ओनर ने इस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाया, क्योंकि वो भी इम्प्रेस था कि इतनी कॉम्पैक्ट स्ट्रीट में इन्होंने उनका प्लेन पार्क भी कर दिया और उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन इलीगल फ्लाइंग लैंडिंग की वजह से उनको $100 का जुर्माना हुआ, जो कि आज की डेट में है $800। तो यहां पर तो वो बच गए और उनका पॉइंट भी प्रूफ हो गया। इसके बाद में उन्होंने दोबारा ये प्लेन चुरा लिया 2 साल बाद में, जिसको उन्होंने पार्क किया एम्स्टर्डम की स्ट्रीट नंबर 187 में। लेकिन इस बार उनको जज ने पनिशमेंट दी, 6 महीने के लिए उन्हें बंद कर दिया गया और उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। तो ये उन्होंने पॉइंट प्रूफ करने के लिए काम किया था, हालांकि पॉइंट प्रूफ हो गया, लेकिन इनको काफ़ी लंबी सजा भी भुगतनी पड़ी और इसी के साथ साथ इन्होंने अपना लाइसेंस भी गंवा दिया। चकिनो स्कार्पा ये ब्राज़ील का एक रिच आदमी है, जिसने अपनी $4.5 लाख की बेंटली जमीन में खड्डा खोदकर दफन कर दी, ये कह के कि जिस तरीके से इजिप्टियन अपना एक पिरामिड बनाते थे और अपनी एक फेवरेट चीज़ अपने साथ ही ले जाते थे, तो उसी तरीके से मैंने ये दफन कर दी, अगला जन्म जब मुझे मिलेगा तो इसी कार को मैं दोबारा से चलाऊंगा। अब सोशल मीडिया पे इसे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिलने लग गई, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि ये कार तू डोनेट भी कर सकता था, उसके पैसे किसी के काम आ जाते, ये वो काफ़ी ज़्यादा लोग बकबक कर रहे थे। हालांकि फैसला इसी का था, चीज़ इसी की थी, लेकिन कमेंट्स तो किसी की रुकती नहीं। तो इतनी सारी चीज़ होने के बाद में चकिनो स्कार्पा ने कमेंट करी कि लोग तो इससे भी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें दफन कर देते हैं, जैसे कि तुम्हारा दिल, लीवर, किडनी, ऐसी ऐसे ऑर्गन्स जो किसी के काम आ सकते हैं, जो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, जो किसी को ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, वो बॉडी के साथ ही दफन कर दिए जाते हैं। क्या तुम डोनेट करोगे किसी को अपने ऑर्गन? मैं डोनेट करने वाला हूँ, जब भी मेरी मौत होगी मैं ये ऑर्गन्स डोनेट कर दूंगा, ताकि किसी और की जान बच सके। अब मुझे बताओ, क्या ये बेंटली वैल्यूएबल है या तुम्हारे ऑर्गन्स? तो यहाँ पे एक्चुअली में वो ये प्रूफ करना चाहते थे कि इंसान के ऑर्गन्स ज्यादा वैल्यूएबल है, ना कि ये महंगी महंगी कारें। नेक्स्ट आता है एमपी डिग्लीज, जो कि 492 BCE में अपने आप को भगवान मानने लग गया था। ये काफ़ी अच्छा जानकार था नेचुरल साइंस का, इसी के साथ साथ मेडिसिन की भी अच्छी नॉलेज रखता था और फिलोसोफर भी था। अब यहाँ पे ये इतनी सारी चीज़ें जानता था कि ये अपने आप को भगवान मानने लग गया था, और लोगों को ये प्रूफ करने के लिए कि मैं भगवान हूँ और मेरे को कुछ नहीं होगा, ये जिंदा एक्टिव वॉल्केनो में कूद गया, जिसके बाद में ये वहीं भस्म हो गया। यहाँ पे इसका पॉइंट तो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर प्रूव होगी कि कोई इंसान भगवान नहीं होता। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और मैं अपने दूसरे चैनल पे लाइव आ रहा हूँ गेम्स खेलने के लिए, तो मैं आपसे वहीं मिलूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, यहाँ पे मैं आपको डेली इसी तरह की वीडियो ला के देता रहूंगा। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने वीडियो डाली दी है। We'll be right back.